गुरुवार को मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट में अखंड भारत महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र कुमार राघव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हट हट गाँव के प्रधानपति तैयब अली के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रधानपति चुनावी रंजिश के चलते ग्रामीणों का उत्पीड़न कर रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह कर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बिना नक्शे के ही अपने खेत में मनरेगा का रोड डलवाकर अब प्लॉटिंग शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के राशन कार्ड से नाम कटवाकर आय प्रमाण पत्र जारी नहीं होने दे रहे हैं। इसमें हल्का लेखपाल भी शामिल है। मत्स्य पालन के पट्टे भी फर्जी व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया और जांच कराकर कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान अकबर अली, रिंकू प्रजापति, अनिल कुमार प्रजापति, दिनेश कुमार, नाजिम, शोषित शर्मा, मुकेश यादव आदि शामिल थे। जौहर जी, क्या समस्या आपकी, क्या ज्ञापन दिया आपने? चुनाव के रंजित निकालते हुए प्रधानपति तैयब अली जबरदस्ती तिरंगी के साथ हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और जिस जगह पर पंजाब भवन बनवा रहा है उस पर ना तो कोई प्रस्ताव है ना कोई फंड जारी है। एक दो बार हमने शिकायत अधिकारियों से की है, SDM साहब से, DM साहब से, तो इन्होंने मना कर दिया है, लेखपाल जी ने भी मना कर दिया है, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती से उस जगह पर काम बराबर करा रहा है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं साहब, इसके तैयब अली के खिलाफ कार्रवाई हो और इनके साथ में अंकुर यादव, लेखपाल जी भी साथ हैं। सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ था जी, तो मेरी घरवाली इलेक्शन जीत गई थी, वो ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर दोबारा इलेक्शन हुआ तो वो 25 वोटों का इलेक्शन जीत गया। लेकिन हमारे जो लोग वैसे हैं उनके सबका राशन कार्ड कटवा रहा है, जो जिन्होंने हमें वोट दिए थे और जिन्होंने हमें वोट दिए उनकी ज़मीनों में कब्जा करा रहा है और SDM साहब को मतलब झूठी वो करके न प्रस्ताव हुआ न कुछ हुआ उसमें। कौन? तैयब अली। कौन है ये? ग्राम प्रधान हटक। अच्छा, तो गरीब आदमियों को बहुत परेशान कर रहा है, अपनी जमीनों में नरेला के रास्ते डलवा रहा है, जो काम उसमें नक्शा नहीं है कुछ नहीं है और उसमें किसी को निकलने भी नहीं दे रहा रास्ते डलवा के, और जो जरूरी काम है उन कामों को नहीं करा रहा, वही मोहर लगवाने जाता है उसकी मोहर नहीं लगाता सर। और ये यूपी जमीन पर बनाया है, तब भी मोहर नहीं लगाता आधार कार्ड पर मोहर नहीं लगा। क्या चाहते हैं आप? अब कार्रवाई होगा कि जमीनों को जो कब्जे कर रहा है लोगों की और वो कर रहा है, धमका रहा है आदमियों को। इससे पहले भी आपने शिकायत कर दी थी? जी, कई बार शिकायत कर चुके हैं। तो क्या कार्रवाई हुई? अभी कोई भी सबने SDM साहब ने सबने मना कर दिया इससे, लेकिन उस पर काम अब भी बिगर नक्शे के रास्ते डलवा रहा है जबरिया। अभी आप कहाँ पे आए हैं? हम PM साहब के पास आए। क्या कहा उन्होंने? साहब यही लेने आए हैं।